बैक टू द चैनल लर्नर, मैं अमित कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के। ये स्टोरी क्लास 9 बिहाइंड बुक का चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड है। ये स्टोरी को एक्सट्रैक्ट किया गया है फेमस ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से, और विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाने वाले और कंट्री के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। हालांकि ये ऑटोबायोग्राफी 3 पार्ट में डिवाइड है, बट हम लोग को सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट माई चाइल्डहुड, दैट मीन्स कि APJ अब्दुल कलाम का सिर्फ चाइल्डहुड को ही हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टोरी सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 9th क्लास के बोर्ड के लिए सारा क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आता है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी को हम लोग लाइन बाई लाइन ही कवर करेंगे। तो आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन एन आईलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। तो APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था वो तमिल फैमिली में हुआ था, एक मिडिल क्लास में, और वो मद्रास स्टेट में हुआ था, रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम मद्रास में है, और मद्रास जो है जिसे प्रेजेंट में हम लोग चेन्नई बोलते हैं। माई फादर जैनुलुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन और नॉर मच वेल्थ। मतलब उनके जो फादर थे जैनुलुद्दीन, वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे और ज़्यादा वो पैसे वाले भी नहीं थे। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, तो डिस्पाइट के बावजूद और डिसएडवांटेजेस दैट मीन्स कमियाँ, तो इतनी कमी होने के बावजूद ही पोजेस्ट ग्रेट इनिशिएट विजडम एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। तो वो बहुत अच्छे जनरोसिटी, उदारवादी एक अच्छे इंसान थे। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर अश्यम्मा। तो उनकी माँ का नाम अश्यम्मा था, और अश्यम्मा जो है बहुत आइडल हेल्पर थी APJ अब्दुल कलाम के फादर की। I do not recall the exact number of people she feed every day, but I am quite certain that far more outsider at with us than all the member of our own family put together. तो कहते हैं कि अश्यम्मा जो मेरी माँ थी वो भी बहुत काइंड पर्सन थी। वो घर के लोगों को तो खाना खिलाती थी, साथ ही बाहर के लोगों को भी खाना खिलाती थी। तो ये उन्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि वो कितने लोगों को खिलाती थी, लेकिन डेली बहुत ज़्यादा लोगों को भी खिलाती थी। फिर है, आई वॉज वन ऑफ द मेनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो ये बोलते हैं कि मैं, मतलब इनके बहुत सारे भाई थे, उनमें से ये एक हैं, और अपने हैंडसम पेरेंट्स के एक नॉर्मल लुक वाले एक लंबे लड़के हैं। वी लिव इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों का, तो ये पूर्वजों के पैतृक घर में रहते आ रहे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में बना हुआ है, दैट मीन्स कि 1850 के आसपास का टाइम। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक। तो उनका जो घर बना वो प्योर पक्का हाउस है, जो लाइम स्टोन और ब्रिक से बना हुआ है। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मॉस्क्यू दैट मीन्स मस्जिद वाली गली में, इन रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में। माई ऑस्ट्रियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इनिशियल्स कम्फर्ट एंड लग्जरी। तो उनके जो फादर हैं वो बहुत ही थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं इनिशियल कंफर्ट को लेकर के और लग्जरीज को लेकर के, दैट मीन्स कि उन्हें लग्जरी आइटम्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो सोचते हैं कि जो जितना ज़रूरी है बस उसी चीज़ का ही यूज़ किया जाए। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन द टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ। तो नेसेसरी थिंग्स जैसे कि मेडिसिन, क्लॉथ और फूड, ये तो कंपल्सरी वो चीज़ मिलेगा ही। इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियल एंड इमोशनली। तो वही बताते हैं कि मैं जो हूँ काफ़ी, मतलब सिक्योर, मेरा जो बचपन रहा है काफ़ी सिक्योर रहा है मटेरियली भी और इमोशनली भी। फिर है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। वेन वॉज 8 ईयर ओल्ड, वो सिर्फ 8 ईयर के ही थे उस समय। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टर्मरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो ये टर्मरिन का जो सीड्स था, इमली का बीज था, उस समय उसका डिमांड बहुत मार्केट में बढ़ गया था, और ये नहीं जानते कि क्यों बढ़ा था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑफ मॉस्को स्ट्रीट। वही वो मस्जिद वाली गली में एक दुकान में जा करके उसे बेच देते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। तो उसको बेच करके, टर्मरिन सीड्स को बेच करके वो 1 आना उससे कमा लेते थे। उस समय 1 आना काफ़ी वैल्यूएबल था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन
would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinmani. तो उसके बाद वो बोलते हैं कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ है जलालुद्दीन, वो बताता था सारा वॉर का स्टोरी को बतलाता था. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. तो इनका जो एरिया था, मतलब ये रामेश्वरम में जो रहते थे, वो काफ़ी साइड एरिया था, वहाँ पे वॉर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं था. बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. लेकिन फिर धीरे धीरे इमरजेंसी घोषित कर दिया गया उस एरिया में भी. द फर्स्ट कैजुअलिटी कम एंड द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. तो पहली जो कैजुअलिटी है, मतलब पहला इफेक्ट जो वर्ल्ड वॉर का, वो रामेश्वरम स्टेशन पे दिखने के लिए मिला. ट्रेन लेट होने लगा था. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोड़ी. तो रामेश्वरम और धनुषकोड़ी के बीच में क्या होता था, ट्रेन आता था और वो बंडल बंडल जो पेपर है न्यूज़पेपर को बस रोड पर ही फेंक करके चला जाता था, ट्रेन रुकता नहीं था. दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन. तो उनके जो कज़न थे शमसुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे रामेश्वरम में. टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली तो आई फिल द स्लॉट. तो मतलब क्या होता है कि उनके जो ब्रदर्स कज़न थे शमसुद्दीन, उन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, कोई मदद करने वाला चाहिए था जो कम से कम वो न्यूज़पेपर को कैच कर सके. तो ये जो APJ अब्दुल कलाम है, हेल्प करते उनकी. शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज. तो ये जो शमसुद्दीन था, वो APJ अब्दुल कलाम का हेल्प किया फर्स्ट अर्निंग के लिए. पहली बार वो फर्स्ट पैसा, फर्स्ट मेहनत का पैसा कमाए थे. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्न माई ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो हाफ सेंचुरी बीतने के बाद भी इनको जो वो अर्न किए थे पैसा, वो काफ़ी उस पर गौरव महसूस होता था, गर्व महसूस करते थे कि फर्स्ट टाइम जो हम पैसा कमाए थे. सब होता है ना, जो फर्स्ट टाइम आदमी अर्निंग करता है वो लाइफ टाइम याद रहता है. फिर कहते हैं, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन टू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक्स एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वे बाई फिगर ऑफ अथॉरिटी. वो बतलाते हैं कि जितना भी बच्चा जन्म लेता है, वो अपने फादर मदर से कुछ ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, दसवीं विशेषता को सीखता है. I inherited honesty and self-discipline for my father. तो ये बतलाते हैं कि मैं अपने फादर से honesty को सीखा और self-discipline को सीखा. From my mother, I inherited faith of goodness and deep kindness and so did my three brother and sister. तो ये जो है, अपनी माँ से एक deep kindness, मतलब पूरा दयालु वाला भावना और अच्छा काम करने, ये सब सीखे. और उनके जो थे थ्री ब्रदर्स और एक सिस्टर थे. आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड. तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, उनके थ्री फ्रेंड थे बचपन में. पहले का नाम था रामानंदन शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन. तो ऑल दीज थ्री बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली. तो ये जो है, ये तीनों जो है हिंदू के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religion difference and upbringing. तो वो बतलाते हैं कि ये जो थे तीनों तो हिंदू थे और ये एक मुस्लिम थे, लेकिन ये फ्रेंडशिप था, इन लोग में कोई भेदभाव नहीं था कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो. इनफैक्ट रामानंदन शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाइस्ट प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. तो ये जो हैं, इनके जो फ्रेंड थे रामानंदन शास्त्री, वो उनके फादर जो थे एक हेड प्रिस्ट थे एक मंदिर में, वहाँ के मंदिर में हेड प्रिस्ट थे. लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. तो रामानंदन शास्त्री के जो फादर थे, वो डिसाइड किए थे कि अपने बेटे को प्रिस्टहुड दे दे, दैट मीन्स कि बाद में मेरा बेटा ही रामेश्वरम के मंदिर में पूजा कराए. अरविंदम went into the business of arranging transporting for visiting pilgrims and Shiv Prakashan become a catering contractor for the Southern Railway. तो जो second friend थे अरविंदन, तो अरविंदन जो थे वो अपना business start कर लेते हैं transport का, और जो pilgrims होते हैं मतलब तीर्थ यात्री लोग जो आते हैं उनको घुमाने का, एक तरह से tourist guide. And जो Shiv Prakashan जो थे, जो उनके third friend थे, वो कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं रेलवे, साउथर्न रेलवे डिपार्टमेंट में. फिर है, ड्यूरिंग द एनुअल सिरी
सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। तो सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, कल्याणम का मतलब ये तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है शादी। तो राम सीता का शादी का एक एनुअल सेरेमनी होता है। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज सी साइट। तो ये जो है इनके फैमिली, APJ अब्दुल कलाम के फैमिली बोट अरेंज करते हैं, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। तो ये जो रामा तीर्थ है वो APJ अब्दुल कलाम के घर के नज़दीक ही हैं। इवेंट फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरी माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो इनकी जो ग्रैंड मदर और मदर जो थी, ये दोनों बचपन से ही रामायण का और प्रॉफिट मोहम्मद का, जो मुस्लिम में प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो उनके बारे में और रामायण का स्टोरी लॉर्ड राम के बारे में बचपन से ही बताया जाता था। और बताते हैं कि वन डे व्हेन आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, तब अ न्यू टीचर कम टू आवर क्लास। न्यू टीचर आई थी, आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। तो जो ये एक वाइट कलर का कैप पहनते हैं जो मुस्लिम लोग पहनते हैं। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदन शास्त्री। तो रामानंदन शास्त्री के फ्रंट रो में ही बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो रामानंदन शास्त्री हु वोर द सेक्रेट थ्रेड। सेक्रेट थ्रेड का मतलब होता है पवित्र धागा, मतलब वो जो जनेऊ बांधते थे। रामानंदन शास्त्री एक जनेऊ पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमिच इन हिंदू प्राइस सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। तो कुड नॉट स्टॉमिच मतलब उनको ये बात पचता नहीं है कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा, हिंदू क्या बोलेंगे, हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़का के साथ बैठे। इन अकॉर्डिंग विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो सोशल रैंकिंग के बेसिस पे जात पात को लेकर के वो जो टीचर हैं इनको लास्ट बेंच में, बैक बेंच में बैठने बोल देते हैं। आई फील्ड वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदन शास्त्री। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा और साथ में रामानंदन शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा था। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. तो वो एकदम उनको पीछे देखते जाते हैं, जैसे वो उठ करके पीछे जाते रहते हैं। तो रामानंदन शास्त्री APJ अब्दुल कलाम को देखते हैं, बहुत ही मतलब सैड होकर के देखते हैं। The image of him weeping when I shifted to the last row left and lasting impression on me. वो जो लास्ट टाइम जो देखे थे कि जैसे वो पीछे जा रहे थे, तो वो जो है ये याद अभी तक APJ अब्दुल कलाम के दिमाग में ये याद बस सा गया है कि कैसे वो एकदम सैड होकर के देख रहे थे। फिर ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिग्ड इन द टर्म ऑफ सिचुएशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। सिचुएशन का मतलब अलगाव। तो हम लोग ऑन द होल पूरा कह सकते हैं कि पूरा जो रामेश्वरम का जो स्मॉल सोसाइटी था वो ये अलगाववाद, ये जात पात को लेकर के काफ़ी कठोर था। हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, तो उनके एक साइंस के टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ रिबल। तो ये जो है, ये भी जो टीचर हैं साइंस के, ये भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है, मतलब एक हिंदू हैं। He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. तो इनका मतलब एक सपना, एक टारगेट है कि वो सोशल बैरियर जो है, ये जात पात का बैरियर को तोड़ दें। He used to spend hour with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are a par with the highly educated people of the big cities. तो वो कहते हैं, मतलब वो अब्दुल कलाम के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और कहते हैं कि तुम काफ़ी मतलब ज़्यादा एजुकेटेड हो जाओ और ये जो है जात पात का सिस्टम है इसको ख़त्म करो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। तो एक दिन अब्दुल कलाम को वो टीचर जो हैं घर पे बुलाते खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरीफाइड, उनकी वाइफ डर जाती है एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड इन द डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। रिचुअली मतलब कह सकते हैं पूरा पवित्र धार्मिक। तो उनका जो किचन, हिंदू लोग थे तो हिंदू को अब मानना था कि कोई मुस्लिम उनके किचन में जा ना जाए, तो वो काफ़ी डर गई थी कोई मुस्लिम उनके घर आया है किचन में जाके बैठ के खाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो इनकी वाइफ है जो रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है कि मैं खाना नहीं सर्व करूँगी। तो शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट
नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, तो वो इस बात को लेकर के अपने वाइफ से एंग्री नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, बट इंस्टीड सर्व मी विथ हिज ओवन हैंड एट सैट डाउन बी साइड मी टू ईट हिज मील। तो वो क्या करते हैं कि खुद सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो खुद खाना सर्व करते हैं अब्दुल कलाम को और बगल में बैठ करके खाना खाते हैं। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी जो वाइफ है पीछे किचन के पास से, गेट के पास से धीरे धीरे देखते रहती हैं। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो उनका कहना है कि वो ऐसा सोचते हैं कि शायद ये जो है सर की जो वाइफ है वो ऑब्जर्व कर रही है, हो सकता है देख करके कुछ सीख रही कि ये कैसे खाता है, क्या इसका खाने का स्टाइल में चेंजिंग है, चावल राइस खाने का स्टाइल में चेंजिंग है या फिर पानी पीने का स्टाइल कैसा है, और क्लीन द फ्लोर मतलब खाना खाने बाद जब वो उठते हैं तो वहाँ क्लीन कर देते हैं, खा करके वहाँ से पोंछ देते हैं। व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो जब वो जाने लगते हैं अब्दुल कलाम तो उनको फिर बोला जाता है कि नेक्स्ट वीकेंड तुम फिर आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गॉट अपसेट नॉट टू गेट अपसेट। तो ये बोलते हैं कि तुम हेजिटेट मत हो, घबराओ नहीं, अपसेट मत हो, उदास मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फर्म्ड। अगर तुम एक बार डिसाइड करोगे कि इस सिस्टम को चेंज करना है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम को तुमको फेस करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक सुब्रमण्यम शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड। तो नेक्स्ट डे जब वो विजिट करते हैं उनके घर में तो इस बार क्या होता है कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर की भी वाइफ खुद से खाना है जो कि सर्व करती है अब्दुल कलाम को। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर इन इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में स्टार्ट हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था 1945 में ख़त्म हो जाता है। तो अब जो है इंडिया बीच मतलब इंडियंस चाहने लगे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस किया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। तो इंडियन वेयर बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी। तो गांधी जी ये डिक्लेयर कर देते कि इंडिया अब एक अपना इंडिया बनेगा, आज़ाद इंडिया बनेगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म दैट मीन्स की आशा और अनप्रेसिडेंटेड दैट मीन्स की अभूतपूर्व। तो ये जो पूरा कंट्री है उसमें एक अभूतपूर्व विश्वास आ गया, आशा आ गया कि अब तो इंडिया आज़ाद हो जाएगा। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथापुरम। तो अब ये एपीजे अब्दुल कलाम डिसाइड करते हैं, अपने फादर से परमिशन लेते हैं कि मुझे रामेश्वरम छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर रामनाथापुरम में हायर स्टडी के लिए जाना है। तो उसके बाद ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तो उनके फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ग्रो करना चाहते हो, डेवलप करने के लिए बाहर जाके हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो, बाहर और पढ़ना चाहते हो। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। फिर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं क्या सीगल जो पंछी है वो सूरज के पार बिना घोंसले के अकेले उड़ सकती है। उसके बाद ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेट मदर। तो एक कोटेशन के साथ बोलते हैं और मेरी माँ को मतलब अब्दुल कलाम की माँ को समझाते हैं कि योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। ये जो बेटे हैं बेटियाँ हैं इन लोगों का भी एक अपना लाइफ है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये तुम्हारे से आए हैं, तुम्हारे द्वारा आए हैं बट तुम्हारे लिए नहीं आए। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाउट। तुम इन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपना विचार अपना थाउट को नहीं दे सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थाउट, क्योंकि इन लोगों का भी एक अपना थाउट है, अपना सोचने का नज़रिया है। तुम मतलब सीधा कह सकते कि तुम अपने आंचल में सिर्फ अपने बच्चों को बांध के नहीं रख सकते, उन्हें छोड़ दो, इन्हें बढ़ने दो आगे, ये एक दिन बहुत आगे जा सकते हैं, देश को का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका ये जो चाइल्डहुड स्टोरी है यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर ये हायर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं, मिसाइल मैन बनते हैं, फिर 11th प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।